स्टूडेंट्स, मैं देवव्रत आपके अपने चैनल कबीर किंडरगार्टन में आपका स्वागत करता हूँ। बच्चों, हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं और साइंस का यह दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हम लोगों ने लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में जाना था, उनका डिफिनीशन जाना था, उनके एग्जाम्पल को भी देखा था। हम लोगों ने लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में हम लोगों ने जान लिया। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि डिफरेंस बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। आज के इस लेक्चर में हम लोगों को पढ़ना है लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच के अंतर को, डिफरेंस को पढ़ना है हम लोगों को आज, कि सजीव वस्तु और निर्जीव वस्तु के बीच क्या अंतर होते हैं उसको हम लोग को जानना है। पहले दिन हम लोगों ने, पहले लेक्चर में जो हम लोगों ने डिफिनीशन जाना था लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स का, उसमें हम लोगों ने एक अंतर जाना था कि लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, कि लिविंग थिंग्स में लाइफ होता है, जीवन होता है, और नॉन लिविंग थिंग्स में जीवन नहीं होता है, निर्जीव वस्तुओं में जीवन नहीं होता है। तो पहले दिन एक डिफरेंस हम लोगों ने जाना था और उसी के आधार पर हम लोगों ने डिफिनेशन बनाया था। आज हम लोग बाकी बात जो डिफरेंस है, जो बचा हुआ है आपको जानने के लिए, आइए उसको आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए, पहले मैं बोर्ड को दो पार्ट में बाइसेक्ट करता हूँ। इधर मैं लिविंग थिंग्स को रखता हूँ, लिविंग थिंग्स, और इधर मैं नॉन लिविंग थिंग्स को रखता हूं। मैं नॉन लिविंग थिंग्स को रखूंगा, ठीक है बच्चों? एक पार्ट में हमने किसको रखा, लिविंग थिंग्स को, और दूसरे पार्ट में नॉन लिविंग थिंग्स को। इधर हम लोग लिविंग थिंग्स के बारे में जानेंगे और इधर नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में, यही डिफरेंस जो है हम लोग यहाँ देखेंगे। तो पहला डिफरेंस तो हम लोग डिफिनेशन में जान चुके हैं कि लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, इनमें लाइफ होता है लिविंग थिंग्स में, और नॉन लिविंग थिंग्स में लाइफ नहीं होता। अब लिविंग थिंग्स में दे कैन मूव ऑन और दे कैन नॉट मूव ऑन। क्या हो चो कि लिविंग थिंग्स जो है कैन मूव ऑन, दे कैन मूव ऑन। लिविंग थिंग्स क्या कर सकते हैं कि खुद से मूव कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं मतलब एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं। जैसे आपको कहा जाए कि आपको आपके घर से बाजार जाना है तो आप खुद से चले जाएंगे बच्चों, ठीक है बच्चों? कि दे कैन मूव ऑन, लिविंग थिंग्स क्या है कि खुद से मूव कर सकते हैं, खुद से एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव ऑन, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स जो है खुद से नहीं आ जा सकते हैं। जैसे नॉन लिविंग थिंग्स का मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, उसमें से चेयर लेते हैं। और चेयर आपके पिताजी कहते हैं, आपके यहाँ कोई मेहमान आए और आपके पिताजी ने कहा कि इन्हें कुर्सी ला कर दो, चेयर ला कर दो, तो क्या चेयर खुद से चलाएगा? क्या आप चेयर को बोलेंगे कि चेयर मेहमान आए हैं, मेरे पिताजी ने बोला है कि कुर्सी ला कर दो, चले जाओ तुम? क्या चेयर खुद से चला जाएगा? एकदम नहीं बच्चों। चेयर को जो है या आपको क्या होगा कि उठा करके ले जाना होगा और वहां मेहमान को देना होगा, ठीक है बच्चों? तो हम लोग जो है खुद से मूव कर सकते हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स क्या है, खुद से मूव नहीं कर सकता है। उसके बाद दे कैन ब्रेथ, दे कैन नॉट ब्रेथ, दे कैन ब्रेथ, दे कैन नॉट ब्रेथ। लिविंग थिंग्स जो है क्या है बच्चों, कि लिविंग थिंग्स जो है वो सांस लेता है, सांस ले सकता है, ठीक है बच्चों? हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है बच्चों, तभी हम लोग जीवित भी हैं, ठीक है बच्चों? तो हम लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं। और ये नॉन लिविंग थिंग्स जो है सांस नहीं ले सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स सांस नहीं ले सकते हैं। क्या चेयर सांस लेता है? मैंने चेयर का एग्जाम्पल लिया है तो चेयर पे ही चलेंगे अभी। तो क्या चेयर सांस लेता है बच्चों? एकदम नहीं। तो हम लोग क्या सांस ले सकते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स जो है सांस नहीं ले सकते हैं। उसके बाद दे कैन फील, दे कैन नॉट फील, ठीक है बच्चों? हम लोग महसूस कर सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और नॉन लिविंग थिंग्स जो है महसूस नहीं कर सकते हैं। फील करना मतलब होता है महसूस करना। दे कैन फील, लिविंग थिंग्स जो है
फील कर सकते हैं, किसी भी चीज को महसूस कर सकते हैं, और नॉन लिविंग थिंग्स जो है फील नहीं कर सकते हैं, महसूस नहीं कर सकते हैं। फील कैसे करना होता है बच्चों? जैसे आपको कोई एक थप्पड़ मारता है, ठीक है बच्चों, आपको कोई अगर एक थप्पड़ मारे तो आप फील कर सकते, फील करते हैं, आपको क्या होती है, चोट लगती है, आप रोने लगते हैं। जैसे आपके क्लास में ही आपके टीचर अगर आपको मारते हैं तब क्या करने लगते हैं, रोने लगते हैं, आपको चोट लगती है, आप फील करते हैं कि हमें चोट लगी है, तभी आप रोते हैं। लेकिन दे कैन नॉट फील, लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स जो है फील नहीं कर सकते हैं। जैसे चेयर पे ही, चेयर का ही बात करें तो अगर हम एक डंटा ले और एक डंटा जोर से चेयर पे मारे तो क्या चेयर रोने लगेगा? एकदम नहीं बच्चों, क्योंकि वह फील कर ही नहीं सकता है, तो ये फील नहीं कर सकते हैं, ठीक है बच्चों, ये फील कर सकते हैं और ये फील नहीं कर सकते हैं। अगला है तीन जाना बच्चों हम लोगों ने, दे नीड फूड एंड वाटर टू ग्रो। दे डू नॉट नीड फूड एंड वाटर, दे नीड फूड एंड वाटर टू ग्रो, दे डू नॉट नीड फूड एंड वाटर। लिविंग थिंग्स जो है, लिविंग थिंग्स को फूड और वाटर काहे चाहिए बच्चों? ग्रो करने के लिए, विकास करने के लिए, वृद्धि करने के लिए, ठीक है बच्चों। लिविंग थिंग्स को भोजन और पानी की सख्त जरूरत होती है, क्या है, विकास करने के लिए, वृद्धि करने के लिए, ठीक है बच्चों। अगर हम लोग जब से बच्चे थे, जब से इस दुनिया में आए हैं, अगर हम लोगों को खाना और पानी नहीं मिला होता बच्चों तो हम लोग आज इस दुनिया में होते ही नहीं। विकास करने का तो बात छोड़िए, हम लोग इस दुनिया में होते ही नहीं। लेकिन दे डू नॉट नीड फूड एंड वाटर, क्या है बच्चों, क्योंकि इन्हें ग्रो करना ही नहीं है। चेयर का ही हम लोगों ने लिया है एग्जाम्पल शुरू से, तो चेयर पे ही बात करेंगे कि आपके घर जब चेयर आया होगा नया नया, जब चेयर बाजार से आपके घर आया होगा, आपके पिताजी ने खरीद कर जब चेयर लाया होगा आपके घर पे, तब से आप देखते होंगे कि चेयर वैसा का वैसा ही है, ना ही उसके साइज में कोई घटोतरी बढ़ोतरी हुई है, ना ही उसका साइज जो है, आकार जो है बढ़ा है, ना ही घटा है। तो इन्हें ग्रो करना ही नहीं, तो इन्हें फूड और भोजन जो है, भोजन और पानी चाहिए ही नहीं, लेकिन इन्हें ग्रो करना है बच्चों, इसलिए इन्हें भोजन और पानी की जरूरत पड़ती है। अब है कि दे कैन रिप्रोड्यूस और दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस, ठीक है बच्चों। ये क्या है, लिविंग थिंग्स जो है प्रजनन कर सकते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स प्रजनन नहीं कर सकते हैं, ठीक है बच्चों, कि लिविंग थिंग्स जो है रिप्रोड्यूस प्रजनन कर सकते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स प्रजनन नहीं कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने 5 डिफरेंस जाना और 1 डिफरेंस हम लोगों ने डिफिनेशन में जाना था, ठीक है बच्चों। तो एक बार आइए फिर से दोहराते हैं कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में क्या क्या डिफरेंस है, कि दे कैन मूव, दे कैन नॉट मूव, ठीक है बच्चों, दे कैन मूव ऑन एंड दे कैन नॉट मूव ऑन। लिविंग थिंग्स जो है एक जगह से दूसरे जगह खुद से मूव कर सकते हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स खुद से नहीं कर सकते हैं। दे कैन ब्रेथ, ये क्या कर सकते हैं, सांस ले सकते हैं, और ये सांस नहीं ले सकते हैं। दे कैन फील, ये फील कर सकते हैं, दे कैन नॉट फील, ये फील नहीं कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और ये महसूस नहीं कर सकते हैं। दे नीड फूड एंड वाटर टू ग्रो, और लिविंग थिंग्स को जो है फूड और वाटर चाहिए, क्या है, ग्रो करने के लिए, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो करता ही नहीं, इसलिए इन्हें फूड और वाटर की कोई जरूरत ही नहीं है। और दे कैन लास्ट जो है, दे कैन रिप्रोड्यूस और दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस, ये लोग क्या, ये लिविंग थिंग्स जो है क्या कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, प्रजनन कर सकते हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स जो है प्रजनन नहीं कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज का ये लेक्चर समाप्त करते हैं हम लोग, और अगले लेक्चर में हम लोग नेचुरल थिंग्स और मैनमेड थिंग्स के बारे में जानेंगे। तो धन्यवाद।